ये मेरे आलू के चिप्स के सारे पकोड़े बनके तैयार है। सारे पकोड़े एकदम बढ़िया से फूले हैं, तो ये अब खाने के लिए रेडी है। जिसको आप कच्ची प्याज के साथ, कच्चे हरी मिर्च के साथ खाइए। कुछ मैंने इसके साथ प्याज काटी है, और अभी इसके साथ मैं थोड़े प्याज के पकोड़े भी बना रही हूँ। तो ये अपना बढ़िया सा बन गया है आलू चिप्स के पकोड़े, गर्मा गर्म, जिसको इमली की चटनी के साथ खाएंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और ये गलका या नेनुआ के चिप्स वाले पकोड़े, जिसके लिए मेरे को मेन सामग्रियां हैं बेसन, चना दाल का आटा। ये आलू को मैंने छील के स्लाइस करके, स्लाइस इस तरह से पतली की है, कुछ ज़्यादा ही पतली है, जिसको जैसे थिकनेस चाहिए। तो इसको मैंने 2-3 बार वॉश करके पानी में रख लिया है। ये है गलका इस तरह से, जिसको नेनुआ भी बोलते हैं, क्योंकि मेरे को इसका पकोड़ा पसंद है। तो मैंने इसको भी थोड़ा काट के इसकी भी स्लाइस कर ली है, धो के रख लिया है। ये है हरी मिर्च, और इसमें जाएगा अदरक, बारीक कटी धनिया, बारीक कटी मिर्च। ये है सोडा, मीठा सोडा या खाने का सोडा। ये है नमक, और ये इसके अंदर हम डालेंगे मिर्ची, हल्दी, धनिया, ये सब आधा छोटा चम्मच है, और एक चुटकी हींग भी है। तो ये अपने, ये गया अपने ये बेसन के अंदर। और अब इसी स्टेज पे अपने बेसन में जब जो सामग्रियाँ मिक्स करने की है, इसमें जाएगा स्वादानुसार नमक, और इसके बाद डालेंगे इसमें ये अदरक, इसमें जाएगी बारीक कटी मिर्च, थोड़ी ही डालूंगी क्योंकि मुँह में आती है दवाई, और ये थोड़ा सा जाएगा हरा धनिया। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके, और जब फ्राई करूंगी तो लास्ट मोमेंट पे मैं डालूंगी सोडा, और उस सोडा के ऊपर डालेंगे नींबू का जूस, ताकि पकोड़े तेल भी कम पीते हैं और क्रिस्पी भी बनते हैं। ये मैंने बेसन के मिक्सचर को मिक्स करके तैयार कर दिया है। अब इसमें अपने डालेंगे खाने का सोडा या मीठा सोडा, और उसके ऊपर अपने ये नींबू के ड्रॉप्स डालेंगे। तो इससे क्या है कि पकोड़े भी एकदम क्रिस्पी बनते हैं और तेल भी कम पीता है। तो ये देखो इसके ऊपर गया अपना नींबू। बस अब इसको अच्छे से मिक्स करके अब पकोड़े निकालते हैं। ये देखिए मिक्सर की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, ताकि आलू में अच्छे से लपट सके। ये देखिए अपना तेल हो गया है। अब इसी स्टेज पे ये आलू के चिप्स वाले पकोड़े डालते हैं, और इसको भी फ्राई होने देते हैं। ये अपने देखिए पकोड़े सारे एक तरफ फूल गए हैं, अब इसको दूसरी तरफ डन कर लेते हैं। कैसे बढ़िया सा एकदम फूला फूला मेरा। ये अपने आलू के चिप्स वाले सारे पकोड़े तल के तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं एक एक पकोड़ा कैसे बढ़िया सा फूला है, और अब इसको अपने सर्व करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।